दोस्तों, माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। इस अंधकार में जीवन से इंसान को सही राह पर ले जाने का सारा बीड़ा वीणा वादिनी सरस्वती माँ के कंधों पर ही है। ये देवी मनुष्य समाज को मानतम संपत्ति ज्ञान संपदा प्रदान करती हैं। पुराणों में माँ सरस्वती को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता, इसलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें ये संदेश देना चाहती हैं कि हमें चाहे कितने ही दूषित वातावरण में रहना पड़े, लेकिन हमें खुद को इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि बुराई हम पर प्रभाव न डाल सके। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा गया है। 24 घंटे में एक बार वो हर व्यक्ति की जुबान पर आती हैं। इस दौरान बोला गया कोई भी वाक्य अथवा शब्द सच होता है। अक्सर घर में बड़े बुजुर्ग कुछ बुराइयां अपशब्द बोलने से मना करते हैं। उनका मानना होता है कि कभी भी देवी सरस्वती जीप पर बैठी हो सकती हैं। जाने अनजाने बोली गई बात सच साबित हो जाती है। ये कोरी कल्पना नहीं बल्कि प्रमाणिक सत्य है। किसी के बारे में कभी न तो बुरा बोले और न सोचें। माँ सरस्वती कब जीभा पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मान्यता के अनुसार रात को 3:10 से 3:15 तक का समय सर्वोत्तम है। 5 मिनट के बीचों बीच बोली गई कोई भी बात सच सिद्ध हो सकती है। 1 महीने तक लगातार इसी वक्त पर अपने मन की कामना बोलकर आजमा कर देखें। हम तो यही प्रार्थना करते हैं दोस्तों कि माँ सरस्वती आप सबकी हर इच्छा पूरी करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो हम हैं।